हेलो फ्रेंड्स, फेंस बालकनी चैनल पर मैं सारे प्लांट्स लवर का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो वैरायटी ऑफ फाइकस प्लांट पर है। देखिए दोस्तों, ये फाइकस की सबसे पहली वैरायटी है और इस वैरायटी का नाम है फाइकस स्टारलाइट वैरायटी। देखिए दोस्तों, इसकी लीफ में कितना सुंदर वेरिएशन है। नेक्स्ट वैरायटी है दोस्तों फाइकस की, फाइकस ट्रायंगुलरिस। इसकी भी लीफ में वेरिएशन होता है और इसकी जो लीफ होती है दोस्तों वो ट्रायंगुलर की तरह हार्ड शेप्ड होती है। देखिए दोस्तों इसकी लीफ, इसीलिए इसे फाइकस ट्रायंगुलरिस कहते हैं। ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है फाइकस की। और तीसरे नंबर पे जो वैरायटी फाइकस की मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये फाइकस की बोनजाई वैरायटी है, इसे कहते हैं मिनी फाइकस। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह मेरे पास दोस्तों ये तीन वैरायटी का फाइकस प्लांट है, फाइकस स्टारलाइट, दैट इज फाइकस ट्रायंगुलरिस, और ये फाइकस की मिनी बोनजाई वैरायटी। दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है और आपके पास बालकनी ही है केवल, तो बालकनी में लगाने के लिए ये सबसे अच्छे हाउस प्लांट हैं। फ्रेंड्स, इनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, इनको आप एक दो घंटे की बस धूप मिल जाए उसमें ये बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड धूप में दोस्तों ये सारी अपनी लीफ जला देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बालकनी के लिए सबसे अच्छे प्लांट हैं। फ्रेंड्स, बात किया जाए इन प्लांट्स के सॉइल की, कि इन प्लांट्स को लगाने के लिए हमें किस तरह की सॉइल चाहिए, तो वेल ड्रेन सॉइल आपको इन प्लांट्स को लगाने के लिए रिक्वायर है। इसके लिए आपको 50% सॉइल लेना होगा, कम से कम उसमें 30% लेनी पड़ेगी, फिर बाकी 30% में दोस्तों बोन मील, काउडंग और नीम की खली ले सकते हैं आप। बात करें दोस्तों पॉट साइज की, तो इसको आप बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं और छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और मीडियम पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस मीडियम पॉट में लगाया हुआ है इन तीनों को। थर्ड दोस्तों बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग का एक ही रूल है दोस्तों मेरा, कि प्लांट की टॉप लेयर जब ड्राई हो जाती है तभी मैं इनकी वाटरिंग करती हूँ, अदरवाइज इनकी वाटरिंग मैं नहीं करती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, जब सॉइल की टॉप लेयर ड्राई होने लगे तभी आप इनकी वाटरिंग करिए। बात करें दोस्तों इनके फर्टिलाइजर की, तो मंथ में एक बार काउडंग का कंपोस्ट ही बना के आप दे दें। कंपोस्ट ही बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, और अगर आप कंपोस्ट ही नहीं देना चाहते हैं और केमिकल खाद देना चाहते हैं, तो महीने में एक बार आप इसको डीएपी दें, ग्रोथ अच्छी करता है ये। दोस्तों बात करें कि इसको कहाँ रखना है बालकनी में, तो ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको केवल एक दो घंटे की सनलाइट मिले। ज्यादा सनलाइट मिलने पर ये अपनी सारी लीफ को बर्न करके गिरा देगा और इसकी सारी ब्यूटी जो है दोस्तों वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर एक दो घंटे की सनलाइट इसे आराम से मिल जाए। फ्रेंड्स, इस प्लांट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक प्रॉब्लम होती है ये कि ये अपनी लीफ को ड्रॉप कर देता है। अगर आप इसे बालकनी में रखते हैं और उसके बाद उसे इंडोर ले जाते हैं तो इसका एनवायरनमेंट चेंज होता है और ये लीफ को ड्रॉप कर देता है। समर के बाद विंटर में भी दोस्तों अगर आप इसे ओस से नहीं बचाएंगे तो ये अपनी लीफ को ड्रॉप कर देगा। तो लीफ ड्रॉप इसकी जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे अगर आप इसको बचा लेंगे तो ये इसी तरह हरा भरा एवरग्रीन हमेशा अपनी की बालकनी में रहेगा। दोस्तों अभी मेरे प्लांट छोटे हैं, अभी इनको लगाए हुए मुझे मात्र 6 महीने ही हुए हैं, तो इसलिए मैं इनकी प्रूनिंग अभी मैंने नहीं की है, लेकिन जब ये थोड़े ग्रोथ ले लेंगे तो इसकी समय समय पर मैं कटिंग भी करती रहूंगी, ताकि कटिंग करके ये एक अच्छा सा शेप लेते रहें। फ्रेंड्स बात करें तो हम प्रपोगेट कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत ईजिली प्रपोगेट हो जाते हैं। आप इनकी कटिंग को काट कर सिंपली सॉइल में लगा दें तो ये कटिंग नए प्लांट में ग्रो हो जाती है। दोस्तों मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है, जल्दी ही मैं इसका अपडेट आपको दूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये फाइकस की वैरायटी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।